आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम वेज उत्तपम बनाने जा रहे हैं जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। ये एक साउथ इंडियन डिश है जो कि खाने में बहुत हल्का होता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। इसको बनाने के लिए हमने एक कटोरी सूजी ली है, एक छोटी कटोरी दही ली है, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, एक गाजर, एक प्याज, दो हरी मिर्चें, आधी चम्मच नमक, ऑयल और आधा गिलास पानी लिया है। हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम अपनी सूजी को 10 मिनट के लिए भिगो देते हैं। ये सूजी डाल रहे हैं, दही, नमक। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करना है। ये हमने इस तरह से सूजी भिगो ली है और इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। इतने हमारी सूजी फूलती है, इतने हम ये सब्जियों को काट लेते हैं और गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, लगभग हमारी सूजी फूल गई है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसको मिला लेते हैं। ये हमारा मिक्सर ऐसा हो गया है। अब इसके अंदर हम सारी सब्जियां ऐड कर देते हैं और इसको फिर मिला देते हैं। अब हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं। बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने तेज गैस पे अपना एक पैन रख दिया है और आप पैन की जगह तवा भी रख सकते हैं। जब हमारा पैन गर्म हो जाए तो हमें गैस मंदी कर देनी है, क्योंकि जिससे हमारा जो हम उत्तपम बनाएंगे वो जले ना। पैन पे हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं। अब इसके अंदर हम ये पेस्ट डालेंगे। इस तरीके से आप इसको धीरे धीरे फैला लें और अब इसके चारों तरफ थोड़ा ऑयल डाल दें। गैस को हम मीडियम कर देंगे। नीचे से ये हमारा सिक चुका है, अब इसको हम पलट देते हैं। हमारा उत्तपम एक तरफ से इस तरह का सिक चुका है, दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरह से सेकना है। अब हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है जिससे कि दूसरी तरफ से भी हमारा उत्तपम पूरा सिक जाए। अब हम इसको पलटकर देख लेते हैं कि हमारा दूसरी साइड से भी उत्तपम सही सिका है। अभी थोड़ा और सिकेगा। अभी हम फिर इसको पलटकर दूसरी तरफ से और तेज सेक लेते हैं। हमारा उत्तपम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, सिक चुका है पूरा। आप इसे नाश्ते में और शाम को खाना बनाने का मन ना हो तो शाम को भी आप बना के खा सकते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे उत्तपम तैयार कर लेते हैं। हमारा उत्तपम खाने के लिए तैयार है। खाना भी, खिलाना भी, कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। अगली बार मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।